अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। देखती आंखों सुनते कानों को समद अहमद खान का सलाम। तो बात है कुछ ऐसी कि आज भी हम बात करेंगे एक मूवी पे, एक बेहतरीन एक्शन मूवी। क्वारंटीन और लॉकडाउन में मैं सीरीज देख देख के पक चुका था और मैं चाह रहा था कि कोई अच्छी मूवी आए, एक एक्शन मूवी। और 3 जुलाई को एक मूवी रिलीज हुई, बेहतरीन एक्शन मूवी, जिसका नाम है द आउटपोस्ट। अच्छा, तो आउटपोस्ट मूवी बेस करती है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम पे, अंकल सैम का वही ऑपरेशन जो कि अफगानिस्तान में 13 साल चलता रहा, 2001 से 2014, और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। टेक्निकली देखें तो इट्स ट्वाइस द टाइम पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू भी 1939 से शुरू हुई, 1945 में एंड हो गई, समहाउ 6-6.5 साल, ये 13 साल चला लेकिन नो रिजल्ट। और इन 13 साल में 1300 कहानियां हैं यूएस सोल्जर्स की, जो एक एक करके हमारे सामने आ रही हैं, जिसकी सबसे बड़ी स्टोरी 2012 में आने वाली मूवी मार्क वॉलबर्ग की मूवी थी द लोन सर्वाइवर। वो सबसे बेहतरीन मूवी थी ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की जो मैंने अब तक देखी है। तो ये मूवी द आउटपोस्ट, ये भी इसी वॉर इन अफगानिस्तान के ऊपर फीचर की गई है, और मूवी की इनसाइट्स शेयर होंगे, सो स्पॉइलर अलर्ट इज मस्ट। तो आउटपोस्ट मूवी में दिखाया गया है कि एक यूएस आर्मी की इनडिफेंसिबल आउटपोस्ट, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 13 माइल्स के डिस्टेंस पे है, हिंदूकश माउंटेन रेंजेस के बीच में, और टोटली इनडिफेंसिबल है, पहाड़ों के बीच में बनाई हुई है। पहाड़ के कोई टॉप पे हो तो वो इजिली बेस को टारगेट कर सकता है। इनडिफेंसिबल होने की वजह से इस आउटपोस्ट पे हमेशा बुराई रहती थी, हमेशा टेररिस्ट अटैक होते रहते थे, और सबसे गलत बात ये होती थी कि हमेशा इस आउटपोस्ट का कमांडर मारा जाता था। मूवी में मेरे 2 फेवरेट एक्टर हैं। अब यहाँ जो मूवीज ऑलरेडी देखते हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं पर्ची की बात कर रहा हूँ। पर्ची बोले तो स्कॉट ईस्टवुड, मशहूर वेटरन एक्टर और डायरेक्टर क्लिंट ईस्टवुड का बेटा। नहीं, मैं यहाँ स्कॉट ईस्टवुड की बात नहीं कर रहा। स्कॉट ईस्टवुड इस मूवी में मेरा 2nd फेवरेट कैरेक्टर है। द फर्स्ट फेवरेट कैरेक्टर इज ऑरलैंडो ब्लूम। ऑरलैंडो ब्लूम को जैसा हम जानते हैं, इन्होंने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन से अपना नाम बनाया, और पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में ऑरलैंडो ब्लूम मुझे शायद इतना अच्छा नहीं लगा था जितना अच्छा लगा था द किंगडम ऑफ हेवन में। द किंगडम ऑफ हेवन एक मूवी आई थी 2006 में। किंगडम ऑफ हेवन वही मूवी है जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जेरूसलम लिबरेट करते हुए दिखाया है। सो जब मैंने किंगडम ऑफ हेवन मूवी देखी थी, मैं ऑरलैंडो ब्लूम का वहां से फैन हो गया था। और इस मूवी को देखने की वजह, ये जो मूवी है द आउटपोस्ट, इसको एक बड़ी देखने की वजह ये भी है क्योंकि इसमें ऑरलैंडो ब्लूम है। मूवी इज फुल ऑफ एक्शन। मेरी तरीके के जो एक्शन मेनियक्स हैं उनको ये बहुत पसंद आएगी। मूवी इनिशियली मार्च 2020 में रिलीज होनी थी लेकिन कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से ये रिलीज नहीं हो सकी, और अभी जुलाई में रिलीज हुई। मूवी में एक्शन और डायरेक्शन जबरदस्त होने के साथ साथ एक्टिंग भी बहुत जबरदस्त हुई है। स्कॉट ईस्टवुड, ऑरलैंडो ब्लूम, माइलो गिब्सन, बॉबी लॉकवुड, कैलेब लैंडरी, सब ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग करी है। मूवी में अफगानिस्तान फीचर किया गया है, अफगानिस्तान दिखाया गया है, लेकिन दिस इज नॉट ओरिजिनल अफगानिस्तान। आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे अफगानिस्तान दिखाया गया है, लेकिन अफगानिस्तान नहीं है, ये बल्गारिया लिया गया है, सोफिया से, जो कि कैपिटल है बल्गारिया का, उससे थोड़े से डिस्टेंस पे डेजर्ट है जहां पे ये सेट बनाया गया था। एज पर द डायरेक्टर रॉड ल्यूर, उनका कहना ये था कि उन्होंने अफगानिस्तान को ही सोच के ये मूवी डायरेक्ट करी थी और दिमाग में इसका स्केच बनाया था, लेकिन लॉजिस्टिक्स की कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये अफगानिस्तान में फिल्म नहीं की गई और उनको अल्टरनेट लोकेशन फाइंड करनी पड़ी। अल्टरनेटिवली बल्गारिया वाज द बेस्ट लोकेशन, तो फिर ये वहां फिल्म की गई। मूवी के बेहतरीन होने का अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि इस वक्त ये मूवी रोटेन टोमेटोज पे 92% पे इसकी रेटिंग बिल्कुल फ्रेश है। इस एक्शन मूवी में वेपन्स की बात करें तो वैरायटी ऑफ यूएस आर्मी स्टैंडर्ड वेपन यूज हुए हैं, जैसे सबसे बेहतरीन वेपन M4 कार्बाइन राइफल। उसके अलावा ड्रैगनोव स्नाइपर भी दिखाई है, फ्रैग ग्रेनेड्स भी दिखाए हैं, M67 फ्रैग ग्रेनेड्स, RPG-7, .50 कैलिबर मशीन गन्स एंड मेनी मोर। अगर आप ये मूवी देख चुके हैं तो अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें, और अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज मस्ट वॉच दिस मूवी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी मूवी का रिव्यू करूं, और जैसे मुझे एक ऑलरेडी रिक्वेस्ट आई हुई, एक दो रिक्वेस्ट आई हुई है, इंशाल्लाह उनको मैं डेफिनेटली जल्द ही उन पर रिव्यू दूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर रिव्यू करूं तो कॉमेंट बॉक्स में उस मूवी का नाम जरूर लिखें। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।